हेलो लियोस वेलकम टू गुरु मा हिन्दी त्यारो और ये रीडिंग है फर्स्ट ऑफ मार्च से लेके सेवेंथ ऑफ मार्च तक की तो इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूंगी कि इस वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है कौन सी चीजें बदलने वाली है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए लिया मैसेजेस फॉर द हेरोफेंट लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स द टार टेन ऑफ सेप्टर्स सो हमारे पास है द हेरो लगता है लियो जैसे आप अपनी मन की आवाज को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे कि आप करें तो क्या करें और आप प्रैक्टिकल चीजों को देख रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है उस चीज को देख रहे हैं और ट्रस्ट नहीं कर पा रहे अपने मन की आवाज पे एंड शायद यही वजह है कि आप अपने मन की आवाज को सुन के भी अनसुना कर रहे हैं आपसे कहना चाह रहा है कि अगर आप अपने इंट्यूशन को अपने सबकॉन्शियस की आवाज को इस तरीके से इग्नोर करेंगे तो ये आवाज और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी इन तब तक आपके मन में रहेगी जब तक कि आप इसे सुन नहीं लेते बिकॉज इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है सो मे बी लिया आप जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ बदलना जरूरी है बिकॉज मैं याद आता और का कार्ड देख रही हूँ। सो so आपके मन में कुछ ऐसा हो सकता है जो आप कब से कहना चाह रहे हैं या कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जिनका जवाब आपको चाहिए बट मे बी आप इन सवालों को पूछने से डर रहे हैं या बेहतर शब्दों का हेजिटेट कर रहे हैं बिकॉज आपको लगता है कि ऐसा करने से ये पर्सन हो सकता है अपसेट हो जाए आपको जज करें एंड मे बी आप इस रिलेशनशिप को लूज कर दें और आप हर बार यही सोच के पीछे हट जाते हैं कि ये रीजन इतना भी बड़ा नहीं है कि इसके लिए आप अपने रिलेशनशिप को लूज कर दें रीजन बड़ा हो या छोटा मैं देख रही हूं कि ये रीजन आपके लिए ऑब्स्टेकल बनता जा रहा है बिकॉज टेन ऑफ चैप्चर्स के साथ मैं आपको एक बोझ कैरी करता हुआ देख रही हूँ हो सकता है कि कोई छोटा ही रीजन हो बट uh, ऐसे कई सारे छोटे छोटे रीजन एक बड़ा बोझ बन गए हैं और uh, आप उन्हें क्यारी किया जा रहे हैं बिकॉज एनी आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप इन सब चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है बट टैरो आपसे कह रहा है कि अब चेंज आना बहुत uh, जरूरी हो गया है इनफैक्ट है का कार्ड है ही इसलिए यहां पे लिया यह चेंज अगर आप नहीं लाएंगे तो ये चेंज यूनिवर्स लेके आएगा बिकॉज शायद अभी तक आप बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं कर पाए हैं आप इस पर्सन को ये नहीं समझा पाए कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं ऑफकोर्स आप लियो है आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है बट शायद इस बार आपने इस स्ट्रेंथ को पेशेंस के रूप में शो किया है ओके okay, आपने सब्र दिखाया है ये अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मांगने वाली चीज है लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए इसमें बट तेरो आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट पे अब इस तरीके का स्ट्रेंथ आपके काम नहीं आएगा बिकॉज अगर आप इस तरीके से टेन ऑफ सेक्टर्स कैरी करते रहेंगे तो आप ज्यादा दिन तक इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे And आपके लिए जरूरी है खुद को रिलीज करना इस बर्डन से आपके लिए जरूरी है कि आप खुद को प्रिपेयर रखें आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बिकॉज मे बी ये पर्सन आपके लिए सुटेबल नहीं है और ये पर्सन वो है जो शायद बार बार सेम मिस्टेक रिपीट करता है और हर बार लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स के साथ लियो अपनी मीठी मीठी बातें और एक्सप्लेनेशन uh, लेके आपके पास चला आता है और शायद ये चीजें आप पे असर भी करती है और फिर आपका दिल गल जाता है सो so, लियो किसी को माफ करना या किसी को समझना बुरी बात नहीं है बट अगर सेम मिस्टेक बार बार हो रही है तो अब यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए और आने दीजिए इस चेंज को बिकॉज जो आपके लिए बेहतर है वो आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा एंड इतना सोचिए मत किसी भी चीज को कहने से पहले अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए अगर कोई ऐसी बात है इस रिलेशनशिप के बारे में जो आपको अनकंफर्टेबल कर रही है या जो आपको ऐसा महसूस करा रही है जैसे कि कुछ ठीक नहीं है तो इससे आगे बढ़िए एंड uh, इस पॉइंट पे अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है और uh, इसलिए ये लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स uh, शायद फिर से इस मैटर को संभालने की कोशिश करें जो भी आप दोनों के बीच हुआ है उसे ये पर्सन फिर से ठीक करना चाहेगा सो एक्सपेक्ट कीजिए कि ये पर्सन फिर से आपसे वही मीठी बातें करेगा वैसा ही अप्रोच रखेगा एंड यह आप डिपेंड करेगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं और आप कौन सी बाउंड्रीज ड्रॉ करना चाहते हैं या आप इन्हें क्या समझाना चाहते हैं और आप इसके लिए कितना तैयार हैं ओके okay? हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वाचर हैं इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या इयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए आउस द मून दर्मेट एट ऑफ सेक्टर्स क्वीन ऑफ स्कॉल्स एंड द सके मून के साथ लगता है जैसे कि आप कहीं गुम है ऑलरेडी ये नेगेटिविटी अब आपको इस हद तक अफेक्ट कर रही है कि आप इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं ही अब आप सोच रहे हैं कि क्या आपने सही डिसीजन लिया इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आके क्या आपने अपने लिए एक सही पर्सन चुना है दर्मिथ के साथ लियो यह है अपने मन के अंदर झांकने के बारे में सो मे बी इस वक्त आपसे कह रहा है कि आपको एक ब्रेक की जरूरत है आपको कुछ समय अकेले स्पेंड करने की जरूरत है आपको यह रियलाइज करने की जरूरत है कि कितना ज्यादा आप अब तक बदल चुके हैं बिकॉज इस पर्सन ने हो सकता है आपको इस प्रोसेस में बहुत बदल दिया हो इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपको ये फील होगा कि आपकी पर्सनालिटी बदल गई है आप पहले ये क्वीन ऑफ कॉल्स हुआ करते थे आप पहले ये जानते थे कि आप कौन है? आपकी बाउंड्रीज हुआ करती थी एंड आप बहुत एक्सप्रेसिव थे और इनके आने के बाद शायद बहुत कुछ बदल गया स्पेशली द सन के कार्ड के साथ ये पर्सन काफी अच्छा मैनिपुलेटर हो सकता है काफी रोमांटिक हो सकता है काफी अपीलिंग हो सकता है एक ऐसा पर्सन जो आपको लगेगा कि आपको संभाल सकता है और जो आपके लिए ही बना है सो so, इस पर्सन के पास होने पे लियो जैसा लगता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि आप दुनिया भूल जाते हैं और इस पर्सन का आपके लाइफ में होना एक ब्लेसिंग है बट एट द सेम टाइम लियो क्या आप ऐसा कॉन्स्टेंटली फील कर पा रहे हैं या, या यहां पे कुछ ऐसा है जो बहुत ट्रिकी हो रहा है या कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बिकॉज एट ऑफ सेप्टर्स के साथ लियो कुछ नया आ, शेप ले रहा है और आ, जब भी कुछ नया आता है तो कुछ ओल्ड को रिप्लेस करता है और वही प्रोसेस मैं यहाँ होते हुए देख रही हूं सो so, लियो चारो कह रहा है कि नई चीजों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है नए कल की तरफ बढ़िए ऑल्सो जो भी अपने मन में आए वो कहिए हर द आपसे चाहता है कि आप वही बने जो आप हैं। ये ऑफ स्कर्ल्स एंड अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करें आपका हेरो चाहता है कि आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर ना करें ओके okay? वो फीलिंग्स आपके मन के अंदर किसी वजह से ही है चलिए देखते हैं कि आपके लिए और मैसेज क्या है लियो प्रेयर सो so, ये कार्ड लियो आपसे कह रहा है कि आपको प्रे करने की जरूरत है खुद से आ, अपने हर सेल्फ से और इस यूनिवर्स से आप हील होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको जरूरत है कि आप अपने लिए पॉजिटिविटी मांगे एज फार एज दिस पर्सन इज कंसर्न आप कुछ चेंज नहीं कर सकते इनके बारे में ओके okay? आप मगर अपने आप को हील कर सकते हैं ऐसी चीजों को कट ऑफ कर सकते है जो आपके लिए अच्छी नहीं है ताकि आप नई एनर्जी के लिए स्पेस बना सकें अपनी लाइफ में तो ये है रीडिंग एज की आई होप आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नेक्स्ट वरिया बाय